देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ आई हूँ अपनी सॉलिडारिटी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथ और ख़ास तौर से दीपिका के साथ दिखाने के लिए। यह हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज मेन स्ट्रीम हॉलीवुड में हमारे लोग शामिल हो रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसके लिए आर्टिस्ट इंटरनेशनली उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और ये कहा है कि कलर ब्लाइंड कास्टिंग होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि एशियन एक्टर्स को सिर्फ अगर वो एशियन है तभी काम मिलता है? अब जो है ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये बदल रहा है। प्रियंका की जो कामयाबी है, अब दीपिका की जो कामयाबी है, उससे ऐसा लगता है कि सही में इंटरनेशनल सिनेमा के दरवाजे हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए खुल रहे हैं। जब विदेशी फिल्में हमारे यहाँ रिलीज होती हैं तो हमारा कुछ आर्थिक रूप से भी हमारी चीज़ें जाती हैं उनतक, तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखती है कि भाई हमें भी नुकसान होता है? नहीं, हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। मुझे तो लगता बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जब भी देखें कि कंपटीशन अगर हो और आपके सामने अच्छी चीज़ आए तो फिर आप में भी बेहतरी का जज्बा जागता है, और इसलिए कंपटीशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं ख़ास तौर से कि टेक्निकली जो बाहर की फिल्में वो कितनी अच्छी हो रही हैं, तो हमारे में भी जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो इसलिए है कि हमारे सामने जो मापदंड है वो ऊंचा होता है। और मैं समझती हूँ कि कल्चर के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ से कल्चर हमारी तरफ आता है, हमारा भी कल्चर उनकी तरफ जाना चाहिए। और इसीलिए सैटेलाइट टेलीविज़न, जिसको हम समझते थे कि इसकी वजह से हिंदुस्तानियत ख़त्म हो जाएगी, एक्चुअली लोगों तक, इंटरनेशनल दुनिया तक हमारा कल्चर पहुँच रहा है उसके ज़रिए। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी फिल्म एक्टर्स को शशि कपूर जी को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता आज से कुछ 40 साल पहले उनको हेली मिल्स के साथ एक फिल्म थी प्रिटी पॉली, उसमें उन्होंने किया था। फिर सिद्धार्थ एक फिल्म थी, उसमें किया था। इतना लंबा सफ़र तय पाया है, चाहे वो ओम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अब इरफान और अनिल हो, ये सब लोग इस रास्ते पे चल पाए हैं इसलिए कि शशि कपूर जी ने इसकी शुरुआत की थी। आज जो है यकीनन इंटरनेशनल सिनेमा के लिए सिर्फ हिंदुस्तानी स्टार्स ही नहीं, मगर दुनिया के मुख्तलिफ स्टार्स को लिया जा रहा है, जो कि सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारा काम, असल में मैंने 3 फिल्मों में काम किया है। एक है प्रेमचंद की ईदगाह, एक अपर्णा सेन की फिल्म है सोनाटा, और एक अमेरिकन फिल्म मैंने की है सिग्नेचर मूव, जो शिकागो में पिछले साल मैंने शूटिंग की थी। तो इस साल वो तीनों फिल्में रिलीज़ होंगी। जावेद साहब नहीं आए, उनको देने के लिए तड़प रहे थे। मैं बस नहीं हूँ आपके लिए। जावेद साहब काम के सिलसिले में बम्बई में नहीं है। आई हैवंट सीन इट अनफॉर्चुनेटली। Well, I'm here in solidarity with Deepika and I'm sure that she will make India proud. I think it's a bit too early to use words like global domination, but certainly the doors have opened, and the important thing is that both Priyanka and Deepika are starring in mainstream work, which is very important, and that they are not being cast as Asians, which is another very important thing, because artists have been talking about colorblind casting for a long time, and finally you can see vestiges of that. Well, I think it's very important, because you know, this idea of Indians being exotic despite famine and drought, that is changing as it needs to. Thank you. Thank you.